अगर आप भी चहल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 200 भारतीय टीम मैच हार चुकी है, लेकिन एक ऐसा भी वाक्य था जब चहल को बल्ला पकड़ना पड़ गया मैदान में आकर। और बटलर तो छोड़िए, मैदान के बाहर बैठे धोनी से लेकर रोहित और कोहली के चेहरे पर हंसी आ गई जब चहल ने बल्ला घुमाकर शतक की तरह सेलिब्रेशन कर दिया। आपको पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, चहल और शमी में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला गया सीरीज का दूसरा वनडे मैच यादगार था, लेकिन केवल इंग्लैंड के लिए। इस मुकाबले में भारत की शुरुआत बहुत अच्छी रही। युजवेंद्र चहल ने आते ही जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, जो रूट को लाइन से पवेलियन में बिठाने का जिम्मा उठाया। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज मोइन अली का विकेट लेने वाले और कोई नहीं बल्कि चहल ही तो थे। बाकी बचे कुछ विकेट पांड्या, शमी और बुमराह ने बांट लिए। तो 40 पर दोस्तों हमने इंग्लैंड की टीम को समेट दिया था। मुकाबला अपनी मुट्ठी में लग रहा था, लेकिन मैदान में रोहित शर्मा, कोहली और धवन को आउट होता देख सारी उम्मीदें खत्म होती नजर आई। बीच में पांड्या, सूर्य कुमार यादव ने 20-20 रन बनाकर उम्मीद की एक किरण जगा दी थी कि हम जीत सकते हैं, लेकिन सूर्य के बोल्ड होने के बाद पांड्या और जडेजा को ज्यादा वक्त नहीं लगा और मैदान में आकर बल्ला थामना पड़ गया मोहम्मद शमी को। दोस्तों, शमी 20 से ज्यादा रन लगा चुके थे, लेकिन मैदान में हंसी मजाक का माहौल तब हो गया जब चहल आ गए। अब दोस्तों, चहल को बल्ला पकड़ना शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं आता जितना बाकी खिलाड़ियों को आता है, और इसी वजह से चहल के साथ विकेट के पीछे खड़े जॉस बटलर थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे, क्योंकि बल्लेबाजी करने का उनका पोस्चर ही ऐसा है। आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि चहल एक गली के बच्चे की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चहल हर कोई चीज को पूरे मन से निभाते हैं, इसीलिए जैसे ही उन्होंने अपना पहला रन लिया तो जॉस बटलर पीछे से उनकी फिरकी ले रहे थे, वाह भाई क्या शॉट मारा है। अब दोस्तों, जॉस बटलर और युजवेंद्र चहल एक ही आईपीएल टीम का हिस्सा है तो उनके बीच में तो मस्ती समझ आती है, लेकिन इसके बाद चहल ने जो किया उससे यह मुकाबला हमारे लिए यादगार बन जाता है। दरअसल दोस्तों, लॉर्ड्स के मैदान में पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। साल 2018-19 में जब हम यहाँ का दौरा कर रहे थे तो चहल को बल्लेबाजी करनी पड़ी थी। उस दौरान तो चहल ने चौका जड़कर हवा में बल्ला उठा दिया था, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन चौका नहीं, एक सिंगल रन लेकर ही। दोस्तों, चहल ने जैसे ही अपना तीसरा रन पूरा किया अपनी इनिंग का, तो उन्होंने बल्ला घुमा दिया और वो उस तरीके सेलिब्रेट करने लगे कि मानो अर्धशतक या शतक जड़ दिया है। अब चहल का यही व्यवहार देखकर हर कोई जोर से हंस रहा था। रोहित और कोहली के चेहरे पे तो हंसी थी ही, साथ ही मैदान में मौजूद धोनी भी हंस पड़े थे। दोस्तों, चहल बड़े मजाकिया हैं, जाहिर सी बात है प्रेशर भरी सिचुएशन में भी मजाक करते हैं ताकि सब खुश रहें, लेकिन आप उनके इस व्यवहार पर, उनकी बल्लेबाजी पर क्या कहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।